दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। भाग्यांक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए साल 2019, क्या आप जानने के लिए बेकरार है कि वर्ष 2019 में आपके जीवन में क्या होगा खास। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ अपनी जन्म तिथि के भाग्यांक के अनुसार जाने अपना वार्षिक राशिफल 2019। आप में से अधिकांश लोगों को भाग्यांक के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। जन्म तिथि से भाग्यांक निकालने की विधि जानिए। माना कि किसी का जन्म 27/6/1962 को हुआ है तो इसका भाग्यांक होगा 2+7+0+6+1+9+6+2=33। 3 और 3 हुए 6, यानी भाग्यांक 6 है। इस तरह से अपने भाग्य का नंबर निकाल के आप अपने आने वाले साल के बारे में जान सकते हैं और उससे जुड़े उपाय करें और सब मुसीबतों से छुट्टी पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2019 कैसा रहेगा आपके लिए। भाग्यांक 1। भाग्यांक 1 वालों के लिए साल 2019 अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप अपने अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा और शक्ति को महसूस करेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष आपके बेहतर प्रयासों से आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं जॉब और बिजनेस में भी आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। नौकरी में प्रमोशन या कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके प्रयासों से जीवन में समृद्धता आएगी और आप हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय, हमेशा आगे बढ़ेंगे और विजयी रहेंगे। इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 1 है वह अपनी जेब पर्स में सफेद रेशमी चौकोर कपड़े में लाल रंग के गोटे किनारी द्वारा अपने भाग्यांक का नंबर 1 लिखकर रविवार सुबह के समय रखें। इसे प्रतिदिन हमेशा अपने पास रखने से यश वृद्धि होगी और बाधाएं दूर होंगी। आइए जानते हैं भाग्यांक 2। भाग्यांक 2 वालों के लिए साल 2019 सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष ना तो ज्यादा नुकसान होगा और ना ज्यादा मुनाफा होगा। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और प्रयास करने होंगे। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टडी पर ज्यादा फोकस करना होगा। बेहतर होगा कि पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें। वहीं यदि आप नौकरी पेशा या व्यवसायी हैं तो प्रमोशन और तरक्की के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर कठिन परिश्रम ही साल 2019 में आपकी सफलता का मूल मंत्र होगा। इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 2 है वह अपनी जेब पर्स में नीले रंग के रेशमी कपड़े में सफेद रंग के चमकीले सितारे लगवाकर सोमवार रात्रि के समय से रखना आरंभ करें तो जीवन की समस्त बाधाएं, किसी भी प्रकार की हो, वो सब समाप्त होने लगेंगी। आइए जानते हैं भाग्यांक 3। साल 2019 भाग्यांक 3 वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। इस साल आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और हर ओर से आपको खुशियां मिलेंगी। शिक्षा, धन लाभ, वैवाहिक जीवन और लव लाइफ बेहतर होगी।
यदि आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। लेकिन ध्यान रहे, निरंतर अध्ययन करते रहे। इस वर्ष आपको धन लाभ और सरकारी क्षेत्र, सरकारी विभाग या सरकार की ओर से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले जातकों को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर साल 2019 आपके लिए शानदार रहने वाला है। इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 3 है वह अपनी जेब, पर्स में पीले रंग के रेशमी कपड़े में चांदी का चौकोर पीस किसी भी साइज का हो उसे लपेटकर पीले धागे से बांध लें। बृहस्पतिवार सुबह के समय से रखें, मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं भाग्यांक 4। वर्ष 2019 भाग्यांक 4 वाले लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस साल ज्यादा चतुराई नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से काम करना होगा। वे लोग जो सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे शॉर्टकट अपनाने की बजाय गहन अध्ययन करें, क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के सफलता मिलने की संभावना कम है। इस वर्ष चुनौतियों के बावजूद बीच बीच में खुशियां मिलती रहेगी, जिससे आपको आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा प्रभावित रह सकता है। वहीं लव लाइफ में भी पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां हो सकते हैं, इसलिए मैरिड लाइफ और लव लाइफ में संयम के साथ काम लें। ऐसी कोई बात न कहे जिससे आपके जीवन साथी या प्रियतम को दुख पहुंचे। इस साल बेवजह के विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। बेहतर होगा कि किसी भी विवादित मामले में दखल ना दें, विशेषकर दूसरों के मामलों में बिल्कुल ना पड़े। इस वर्ष आप अपने दोस्तों और परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। साल 2019 में आपके साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जो आपको हैरत में डाल देगी। इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 4 है वह अपनी जेब, पर्स में भूरे रंग के रेशमी कपड़े में 4 दाने काली मिर्च के साथ बांध कर रखें। इसके रखने से भाग्यांक 4 वालों की समस्त रुकावटें दूर होनी आरंभ हो जाएंगी। इसे शनिवार शाम के समय रखें। आइए जानते हैं भाग्यांक 5। भाग्यांक 5 वाले लोगों के लिए वर्ष 2019 बेहतर रहने वाला है। हालांकि इस साल चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धि और आत्मबल से तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे। यदि आप इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको सुखद परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए बेहतर नतीजों के लिए निरंतर अध्ययन करते रहें। यह साल आपकी वाणी और भाषा आपके लिए कई सुखद अवसर लेकर आ सकती है, क्योंकि संवाद शैली में सुधार होने से लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपको आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। बात करें अगर आपके वैवाहिक जीवन की तो इस वर्ष आपके संबंधों में मजबूती आएगी। नौकरी और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी यह साल कई सौगात लेकर आएगा। जॉब कर रहे लोगों को प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट का तोहफा मिल सकता है। वहीं बिजनेस में किसी बड़े आर्थिक लाभ की संभावना है। इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 5 है तो वह अपनी जेब, पर्स में हरे रंग के रेशमी कपड़े में एक तांबे का छेद वाला सिक्का लपेटकर हरे रंग के धागे से बांध दे और इसे बुधवार दोपहर के समय से रखना आरंभ कर दें, तो जीवन में परेशानियां समाप्त होने लग जाएंगी। आइए जानते हैं भाग्यांक 6।
भाग्यांक 6 वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहने वाला है। इसे चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार रहें। एक बात याद रखें कि आपके मजबूत आत्मबल और सार्थक प्रयासों के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों की राह में इस साल की कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि आपने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम लिया तो सभी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। सिविल सेवा, मेडिकल, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सफलता प्राप्त पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि उन्हें अपने इस परिश्रम का उत्तम फल भी मिलेगा। इस साल आपके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण होगा जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसके प्रभाव से लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे और इनकी मदद से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रेमी युगल के लिए भी यह वर्ष शानदार रहने वाला है। हालांकि ध्यान रहे कि आपके इस रिश्ते में कोई गलतफहमी ना पैदा हो, इसलिए अपने प्रियतम की बातों को सुने और उनकी भावनाओं को समझें। बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर ना पहुंचे। इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 6 है तो वह अपनी जेब पर्स में गुलाबी रंग के रेशमी कपड़े में सफेद चमकीले गोटे से 6 का अंक लिखवाकर शुक्रवार सुबह के समय रखें, और रखने के बाद कोई भी सफेद मिठाई का सेवन करें तो बाधाएं दूर होकर सुख की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं भाग्यांक 7। वर्ष 2019 भाग्यांक 7 वाले लोगों के लिए बेहद प्रगतिशील रहने वाला है। धर्म और अध्यात्म को लेकर आपका झुकाव बढ़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि धार्मिक प्रवृत्ति और आध्यात्मिक चिंतन की ओर आपका ध्यान अधिक रहे। इस वर्ष सामाजिक जीवन में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। आप परोपकारी कार्यों से जुड़े रहेंगे और दूसरों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों को इस साल कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपने धैर्य के साथ काम लिया तो सभी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। कामकाज में अधिक व्यस्त होने की वजह से आप परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। बेहतर होगा कि पारिवारिक जीवन के लिए पर्याप्त समय निकालें। मनोविज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए यह साल बेहद अच्छा रहने वाला है। सिविल सेवा और मेडिकल एग्जाम में मनोविज्ञान से संबंधित विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। इसके अलावा भाषा विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। इस वर्ष पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए धैर्य के साथ काम लें। व्यवसाय कर रहे लोगों को इस साल आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 7 है तो वह अपनी जेब पर्स में सुनहरी रंग का रेशमी कपड़ा चौकोर लेकर उसमें चुटकी भर पीली सरसों डालकर गांठ बांध दें, और बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय रखने से मनोकामना पूर्ण होने लगती है। आइए जानते हैं भाग्यांक 8। वर्ष 2019 भाग्यांक 8 वालों के लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन इस साल शनि देव की कृपा आप पर रहेगी। शनि के शुभ प्रभाव से इस साल आप तमाम परेशानियों के बावजूद सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप सिविल सेवा, मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इस वर्ष काम की अधिकता की वजह से बेचैनी रह सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि काम को लेकर ज्यादा तनाव ना लें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें।
इस साल आपके निवास या नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। काम के सिलसिले में बाहर रहने से आपके पारिवारिक व प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपका अपने परिजनों से अलगाव हो सकता है। इसके अलावा काम की अधिकता की वजह से आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसे बेहतर होगा कि इस वर्ष आप काम के साथ साथ निजी जीवन को भी समय दें, वरना आप अकेले पड़ जाएंगे। लोगों से मिलें और परिजनों के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 8 है तो वह अपनी जेब पर्स में पीले रंग के रेशमी कपड़े में अखंडित चावल के 21 दाने रखकर लपेट कर सफेद धागे से बांध दें। शनिवार सुबह के समय से रखना आरंभ कर दें तो रुकावट अपने आप समाप्त होने लगेंगी और कार्य शीघ्र पूरा होगा। आइए जानते हैं भाग्यांक 9। भाग्यांक 9 वाले लोगों के लिए साल 2019 प्रगतिशील रहने वाला है। इस वर्ष आप अपनी ऊर्जा शक्ति से न केवल अपने सपनों को पूरा करेंगे बल्कि दूसरों की मदद भी करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सूझबूझ से आपको और आपके व्यावसायिक साझेदार को भी आर्थिक लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को इस साल प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट की सौगात मिल सकती है। इसके अलावा आप कार्यस्थल पर आगे बढ़ने में सहकर्मियों की मदद करेंगे। आपके दोस्त और वरिष्ठ अधिकारी आपके इस व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। इस साल आप योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे और बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करेंगे। आपके अंदर आगे बढ़ने की और लक्ष्य को प्राप्त करने का सामर्थ्य होगा। इस वर्ष आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे में व्यवसाय कर रहे लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन इस साल सुखमय रहने वाला है, लेकिन लव लाइफ में कुछ उलझने आ सकती हैं। इसलिए प्रेम प्रसंग के मामलों में थोड़ा संभल कर चलें। प्रियतम पर बेवजह शक करने से बचें और उनकी भावनाओं को समझें। बात करें अगर सेहत की तो इस साल आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। यह इस वर्ष के लिए उपाय, जिनका भाग्यांक 9 है तो वह अपनी जेब पर्स में लाल रंग के रेशमी कपड़े में सफेद रंग के गोटे से त्रिशूल की आकृति बनाकर मंगलवार शाम के समय रखें। इसके रखने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह ध्यान रखें कि भाग्यांक के सभी प्रयोग चांदनी रातों के पखवाड़े में किए जाएं तो शीघ्र फल प्राप्त होंगे। एक बार प्रयोग करने के 6 माह बाद उसे जल प्रवाहित कर इसी विधि अनुसार नया रख दें। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको एस्ट्रो आर्टिस्ट एचपी चैनल की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह नया वर्ष मंगलमय हो और आपका हर दिन शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर।